ये देखिए इस घर का जो फेंस है वो कितना नीचा है। ये दरवाज़ा मेन गेट है ये, और ये फेंस है। परसों मैं आई बिश्केक, हॉस्टल चेक इन किया, कल निकली कहीं घूमने के लिए, बट ड्यू टू रेन मैं कहीं जा नहीं पाई। किसी से लिफ्ट मिली तो एक मार्केट तक की गई, बट बारिश काफ़ी होने लगी तो फिर वापस आ रही थी। तो मेडिकल के कुछ स्टूडेंट्स मिले इंडियन, हॉस्टल से सामान निकाला, उनके डोम यानी कि उनके घर पे मैं शिफ्ट हो गई। काउच सर्फिंग से उन लोगों से बात हो भी चुकी थी पहले। रात में हम लोगों ने खाना बनाया और आज जा रही हूँ इसकुल, जो कि जाना था मुझे कल। इसकुल लेक यहाँ का काफ़ी फेमस लेक है, तो फिलहाल मैं वहीं जा रही हूँ इसकुल, और वहाँ जाकर दिखाती हूँ क्या हिसाब किताब है वहाँ का। ये है यहाँ की गलियाँ, स्ट्रीट से बाहर आई हूँ अभी बस के लिए, माशरुकता जिसको कहते हैं, तो माशरुकता करूँगी फॉर इसकुल। सो लेट्स गो टू इसकुल लेक ऑफ बिश्केक। 200 किलोमीटर है ये, तो अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है पहुँचने में। वैसे मुझे 8 बजे निकलना था सुबह, बट 10 बज गए हैं। तो जी बस स्टॉप पे आई हूँ मैं, और टिकट ले लिए इस स्कूल की। टिकट कुछ ऐसा है बस स्टॉप का नाम, कौन से बस से कौन से बस स्टॉप पे जाना है और कहाँ की टिकट लेनी है, ये पूरा मैं लिख दूँगी। फिलहाल चलती हूँ देखने की कौन सी बस जाएगी। इसकुल विलेज आ गई हूँ मैं, और हवा बहुत तेज चल रही है, तो बर्फीली हवा चल रही है। उधर आप देख सकते हैं पहाड़ों पर बर्फ, ताज़ी ताज़ी बर्फ गिरी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर भी काफ़ी बर्फीली हवा चल रही है। भाई ठंड और हवा दोनों अलग अलग अच्छी लगती है, तो ठंड के साथ साथ ये बर्फीली हवा बहुत। खैर एक जैकेट है मेरे पास, अभी तो काम चल रहा है, रात में देखती हूँ क्या हाल होता है। धूप निकली हुई है, ये बहुत अच्छा है। रास्ते में नज़ारे बहुत खूबसूरत थे, 10 out of 10। और एक जगह ऐसा था कि इतनी बारिश हो रही थी, मुझे लगा कि गलत आ गई क्या मैं, बट फिर खैर आगे चल के ये धूप दिखी मुझे, तो थोड़ी राहत हुई धूप देख के ही। माशरुकता से उतरी हूँ तो तब से इतनी हवा चल रही है। एक काउच सर्फिंग फ्रेंड है,
और उनके साथ शायद ग्रुप है पूरा, तो वो लोग अभी मुझे यहाँ पर लेने आ रहे हैं जहाँ पर मैं बस से उतरी हूँ। तो आते हैं फिर देखते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ पर स्टे का है। ये लोग कल से ये लोग आए हुए हैं, मुझे पहले कल आना था बट मैं नहीं आ पाई। तो फिलहाल इस कुल तो जी बस से उतरने के बाद मुझे लेने आए एक लोग, काउच सर्फिंग के थ्रू उनसे बात हुई थी। जिनसे बात हुई थी उनका नाम है जॉन और उनके एक फ्रेंड है, वो दोनों यहीं पर थे इस स्कूल में। तो उन लोगों से बात हुई थी, वो लोग मुझे लेने आए, फिर हम लोग चाय पीने गए। तो उनका तो हॉस्टल ऑलरेडी था बुक्ड, मेरे लिए देखा जा रहा था कि कहाँ रहें। तो वहाँ जहाँ पर हम लोग चाय पी रहे थे वहाँ पर जो लेडी थी जिनका जो ओनर थी, तो उन्होंने ऑफ़र किया कि मेरे यहाँ ही रह जाओ आप। तो फ़िलहाल मैं हूँ एक लोकल के यहाँ, उनका नाम है शिरीन, और मैं, जॉन, उनके फ्रेंड शिरीन और भी कुछ लोग, हम सब लोगों का शाम का प्लान है कुछ, तो अभी वहाँ जाऊँगी देखो। और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर पे हैं सब लोग, उस साइड कहीं पर जॉन का हॉस्टल है, इस साइड ये जो घर दिख रहा है, इधर ही कहीं आसपास शिरीन का घर है, और दूसरा एक घर उनका ये है जहाँ पर उन्होंने मुझे जगह दी हुई है इस वक्त, थैंक्स टू जॉन, थैंक्स टू शिरीन। और अब मुझे उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है, जब मैं वहाँ उतरी थी उस वक्त तो भाई बहुत बर्फीली हवा, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। शायद धीरे धीरे मैंने भी अडेप्ट कर लिया यहाँ का एटमोसफेयर। तो इस जगह पर तो मैं अकेले हूँ इस वक्त, काफ़ी मन था कि ऐसे किसी रिमोट एरिया में रहा जाए, तो वैसे ही कुछ फील आ रहा है। ये देखिए इस घर का जो फेंस है वो कितना नीचा है, ये दरवाज़ा मेन गेट है ये, और ये फेंस है, ये पूरा खाली पड़ा है ये एरिया। ऐसा है, उधर नीचे भी कुछ रूम्स हैं, पहले नीचे वाला रूम दिखाया था तो वहाँ पर शायद गीज़र वर्क नहीं कर रहा था, तो शिरीन ने बोला कि ऊपर वाले रूम में आप रह जाओ। तो जी ये है मेरा रूम, चलिए दिखाती हूँ। सामान पड़ा हुआ, ये बेड, तो सारी कुछ अच्छी व्यवस्था है, गर्म पानी है, और ठंड काफ़ी रहती है तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे ब्लैंकेट्स के लेयर डाल दिए हैं मेरे लिए, तो रहने की एक अच्छी व्यवस्था हो गई है। और मैं बस एक ये बैग लेकर आई हूँ, बाकी जो भी सामान था वो वहीं पर रख दिया है मैंने जॉन और वासु के घर पे, जो मेडिकल स्टूडेंट्स मुझे मिले थे, ये सब पूरा इन लोगों का ग्रुप है, सारे फ्रेंड्स हैं, तो उन्हीं के घर पे मैंने बाकी सामान रखा हुआ है, अपना सूटकेस वगैरह एक बैग लेकर यहाँ पर आ गई हूँ। आज शाम को हम लोग थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, डिनर पे जाएंगे साथ, फिर कल देखते हैं, कल थोड़ा घूमेंगे और जाएंगे वापस बिश्केक। तो ये है सारा हिसाब किताब आज का, और ये है जगह हमारी, रात में दिखाऊंगी कैसा माहौल रहता है, देखती हूँ रात में फिर से रिकॉर्डिंग करूँगी आफ्टर डिनर। और मेरे लिए अभी खाना भी आ गया, जॉन लेकर आए। हेलो, हाउ आर यू एवरीवन, मायसेल्फ जॉन, सो आई एम हेल्पिंग नैंसी विद द लोकल लैंग्वेज रशियन। हां, इन्हें लोकल लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है। ओके ओके, फिर यू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, गिव मोर लाइक्स एंड मोर व्यूज। थैंक यू सो मच। तो मैं थोड़ा फ्रेशन अप होकर रेस्ट कर रही थी, जॉन ने बोला कि आप आराम करो मैं खाना लेकर आता हूँ, तो मुझे घर का बना हुआ, अभी ने बनाया है ना, घर का बना हुआ खाना भी मिल गया है, और साथ में ये लाए हैं एप्पल, यहीं से तोड़ कर लाए हैं तुरंत, सो नाइस। शाम का क्या प्लान है?
तो अभी अभी सेब तोड़कर लाया गया है, बहुत अच्छे। फिर खाना खाती हूँ, निकलती हूँ, फिर दिखाती हूँ शाम का प्लान।